भारत की स्टार महिला रेसलर बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खबरों के मुताबिक रितिका ने स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार की वजह से ये कदम उठाया है। उन्होंने अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 17 साल की रितिका पिछले 5 सालों से अपने फूफा महावीर फोगाट से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही हैं। हाल ही में मैच हारने के बाद मानसिक रूप से बहुत तनाव में थी और उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। रितिका ने 12 से 14 मार्च के बीच स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसके फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार से निराश होकर उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं रितु फोगाट ने रितिका की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, छोटी बहन रितिका की आत्मा को भगवान शांति दे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है आपके साथ क्या हुआ, आप हमेशा याद आएंगी। रितिका की एक और बहन हरविंदर फोगाट ने इस घटना को पर कहा कि उनका पूरा परिवार सकते में है। हमें अभी पता ही नहीं चल पाया कि रितिका अपनी हार से इतनी बुरी तरह प्रभावित होंगी। अपनी बुआ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता और बबीता फोगाट की तरह भी रितिका भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनना चाहती थी। आपको बता दें, महावीर फोगाट ने ही अपने दोनों बेटियों गीता फोगाट और बबीता फोगाट को भी ट्रेनिंग दी थी। न्यूज़ डेस्क।